आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मेसी फर्ग्यूसन की तरफ से आने वाला बहुत ही न्यू ट्रैक्टर 200 मेसी फर्ग्यूसन 245 DI जो कि स्मार्ट सीरीज के साथ आता है और ये 2022 वाला मॉडल का गाड़ी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग इस तरफ इंजन के एक साइड देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को केबिन में चढ़ने के लिए जो जो सीढ़ी होता है वो मिल जाता है एक स्टेप, और इस तरफ आप लोगों को लोगो मिल जाता है, लोगो देखने के लिए मिल जाता है बोनेट में, और ये फ्रंट व्हील, फ्रंट और बैक व्हील में आप लोगों को पार्डलिंग पेशल जो टायर होता है वो देखने के लिए मिल जाता है, और ये ऊपर आप लोग बम्पर का हाइट देख सकते हो रियर जो टायर है उससे, और ऊपर चढ़ने के लिए हैंडल मिल जाता है। इस तरह PWD का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। स्मार्ट सीरीज का बैचिंग यहाँ पर है, और इसमें आप लोग को 3-स्पोक स्टेयरिंग बार देखने के लिए मिल जाता है, और ये मोबिल फिल्टर डीजल फिल्टर की प्लेसमेंट इस तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं बस फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट में आप लोगों को इंजन में अगर धूल मिट्टी ना जाए इसलिए जो जाली मिल जाता है, और ये बहुत ही अच्छा जाली है, और इसका फ्रंट लुक आप लोग देख सकते हो। इसका जो हैलोजन का जो बल्ब मिल जाता है हेडलाइट में, और ये 245 DI का लोगो, और इसका बोनेट में आप लोग को फ्रेम गैपिंग देखने के लिए नहीं मिलता, और इसके जो कंपनी फिटेड बम्पर आता है वो ऐसा कुछ होता है, और इसका रियर एक्सल आप लोग फ्रंट एक्सल आप लोग देख सकते हो, ये प्रिंटेड स्टेट एक्सल वाला मॉडल का गाड़ी है, और इसमें आप लोग को ड्यूल एक्टिंग फोर स्टेयरिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसका जो फ्रंट व्हील में जिससे पावर पहुँचता है वो साइड से आता है वो, तो आप लोग इधर देख सकते हो उसको। और इसमें आप लोगों को जो गियर मिल जाता है वो इस ट्रैक्टर के सामने मिल जाता है, तो ये मेरे को एक इसका डाउनग्रेड लगा इस ट्रैक्टर का। और इस तरफ आप लोगों को डैशबोर्ड में नॉर्मल ट्रैक्टर की जैसा वैसा कुछ फीचर मिल जाता है, और इस तरफ की बात की जाए तो इस तरफ आप लोग देख सकते हो रियर टायर से जो बम्पर का हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। इसके सुविधा आप लोगों को जब ट्रॉली वगैरह में काम होगा हार्वेस्टर के साथ तो तब आप लोगों को देखने मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते ट्रैक्टर के पीछे के तरफ। तो पीछे आप लोगों को इसका जो हुड देखने के लिए मिल जाता है, ऐसा कुछ कंपनी फिटेड हुड देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोगों को अभी मैं पीछे का व्यू दिखाता हूँ। तो पीछे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर टूल बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर 3-पॉइंट सेंसिंग और ऐसा कुछ हिज देखने के लिए मिल जाता है, और इस तरफ आप लोगों को चाबी इंसर्ट करने का जगह मिल जाता है। तो ये एक शॉर्ट रिव्यू था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।